बांसगांव के धौसा में महिला को गिरफ्तार करने गई पुलिस से हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने नोकझोंक और हाथापाई कर ली। हिस्ट्रीशीटर उस महिला का बेटा है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर दुर्गा यादव की मां आशा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर समेत 5 नामजद सहित 20 पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बांसगांव के धौसा निवासी दुर्गा यादव पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। उसकी मां आशा देवी के खिलाफ हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी। मंगलवार को दोपहर पुलिस आशा देवी को गिरफ्तार करने गई थी। पहले तो हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े। पुलिस सख्त हुई तो वह उसके साथ हाथापाई पर उतर आया। उसी बीच हिस्ट्रीशीटर फरार हो गया। बाद में पुलिस आशा देवी को गिरफ्तार कर थाने लाई और फिर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे महिला को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। मतलब हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। फोर्स मंगाने क्या जरूरत क्यों किया? अगर उसकी औकात किसी के औकात है? हाँ हाँ बैठ जाओ, आप आया बैठ जाओ, आप बैठिए बैठ जाओ, मामला मत बनाइए। थाना बांसगांव के कौड़ीराम चौकी है, उसका एक धौसा गांव है, जहाँ एक पुराना अपराधी दुर्गा यादव है, उसकी मां के विरुद्ध वारंट था। इसमें वहां के चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ गए थे उसकी वारंटी की गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तारी के दरमियान कुछ उसमें पुलिस से उलझने की कोशिश की है, जिस पे उस अपराधी और उसके अगेंस्ट थाना बांसगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर कितने लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा जो है 5 तो नामजद हैं, इसके अतिरिक्त तो और भी अन्य ज्ञात जो गांव के लोग हैं जो वहां पे उग्र हो रहे थे, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा।